Good morning to all of you. In this video, I am going to talk about Sheehan's syndrome. बहुत important short notes है और MCQ point of view से भी है ना important है, ठीक है। तो Sheehan's syndrome को जानने से पहले ना थोड़ा जो basics है वो clear होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं pituitary का structure दिखाया ना, anterior pituitary और posterior pituitary। तो basically anterior pituitary से जो हमें signal मिलता है ना, that is for thyroid, adrenal cortex, टेस्टिस और ओवरीज, इंटायर बॉडी, मेमोरी ग्लैंड्स एंड पैन रिसेप्टर इन द ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या रिलीज होता है, TSH दैट इज थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, FSH एंड LH, GH, प्रोलैक्टिन एंड इंडोरफिन, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ADH कहाँ पे एक्ट करता है, किडनी ट्यूब्यूल्स पे, और ऑक्सीटोसिन यूट्राइन्स, मसल्स, मेमोरी ग्लैंड्स पे, ठीक है। तो चलिए अब Sheehan सिंड्रोम को हम लोग देखते हैं। Sheehan सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज पोस्टपार्टम पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्रोसिस। तो ऐसा पोस्टपार्टम में क्या हुआ है ना, जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में नेक्रोसिस हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। इसका दूसरा नाम ही है पोस्टपार्टम पिट्यूटरी ग्लैंड नेक्रोसिस। व्हाट इज द अंडरलाइंग पैथोलॉजी, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है ना, ग्रुप ऑफ सेल इन द एंटीरियर पिट्यूटरी विच आर नोन एज लैक्टोट्रॉप, ठीक है। लैक्टोट्रॉप का जो नंबर है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज होते रहता है, ठीक है, और साथ में साइज भी उसका इंक्रीज होते रहता है। तो उससे क्या हमें मिलता है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। और प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या है, इट प्रिपेयर मेमोरी ग्लैंड है ना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए मिल्क। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है जो चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होता है ना, नंबर और साइज तो लैक्टोट्रॉप का बढ़ गया, लेकिन उस अकॉर्डिंग से है ना जितना ब्लड सप्लाई बढ़ना चाहिए था उसके प्रोपोर्शनेट में जितना ब्लड सप्लाई बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। तो वही मैंने लिख रखा है, बट द ब्लड सप्लाई स्टेज द सेम, ठीक है। तो प्रेगनेंसी हुआ, वहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी में एक ग्रुप ऑफ सेल्स था जिसका नाम था लैक्टोट्रॉप्स, उसका नंबर और साइज बढ़ा। क्यों बढ़ा, इट प्रिपेयर मेमोरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मिल्क, लेकिन ब्लड सप्लाई पिट्यूटरी का नहीं बढ़ा, ठीक है। अब क्या हुआ, डिलीवरी का टाइम आया है ना, और क्या हो गया, पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। पोस्टपार्टम हेमरेज को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं जब हिमेटोक्रिट है ना 10% से ज़्यादा डिक्रीज हो जाए और जो वाइटल फंक्शंस है बॉडी का है ना उसमें कोई चेंज। अगर ब्लड लॉस के टर्म में बात करें ना, तो अगर सीजेरियन सेक्शन हुआ है तो 1000 ml का ब्लड लॉस होना चाहिए PPH बोलने के लिए, और अगर वजाइनल रूट से डिलीवरी हुआ है तो 500 ml का ब्लड लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो पहले से ही पिट्यूटरी ग्लैंड को है ना कम ब्लड मिल रहा था और काम ज़्यादा करना पड़ रहा था, पहले से प्री इस्कीमिक कंडीशन प्रेजेंट था। अब PPH होने से क्या हुआ, और भी ब्लड लॉस हुआ और पिट्यूटरी ग्लैंड में प्री इस्कीमिक से इस्कीमिक कंडीशन डेवलप हुआ, फिर वहाँ से नेक्रोसिस हुआ और फाइनली जो पिट्यूटरी सेल था ना उस पर डेथ हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। तो अगर पिट्यूटरी सेल का डेथ हमें देखने के लिए मिलेगा तो पिट्यूटरी का जो फंक्शन है ना उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बेस बना करके हम लोग क्लिनिकल फीचर्स, साइंस, सिम्टम्स पढ़ेंगे। तो अभी जो मैंने आप लोग को सबसे शुरू में इमेज दिखाया था, ठीक है ना, मैं बस उसी को यहाँ पे रफली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला सिम्टम्स क्या आएगा, सबसे पहला सिम्टम्स आएगा लैक्टेशनल फेलियर और एक लैक्टोरिया, ठीक है, क्योंकि लैक्टोट्रॉप्स का ही नंबर और साइज सबसे ज़्यादा बढ़ा था, तो सबसे ज़्यादा नेक्रोसिस जो होगा वो लैक्टोट्रॉप्स का ही होगा, ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिलेगा, एमेनोरिया, ठीक है ना, और इनफर्टिलिटी। क्यों एमेनोरिया और इनफर्टिलिटी क्यों देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि LH और FSH का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और अगर LH और FSH नहीं बनेगा तो वो जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा और ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा और फीमेल जो वो इनफर्टाइल रहेगी, ठीक है। तो एमेनोरिया और इनफर्टिलिटी हमें देखने के लिए मिलेगा। अब अगर TSH डिक्रीज हुआ है तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म देखने के लिए मिलेगा, और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन एंड लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। ACTH का सेक्रीशन नहीं हुआ है तो उससे हमें हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगा। ग्रोथ हार्मोन का सेक्रीशन नहीं हुआ तो उससे हमें वीकनेस और मसल्स वेस्टिंग देखने के लिए मिलेगा, और डायबिटीज इंसिपिडस भी हमें कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिम्टम्स, है ना। तो क्या क्या सिम्टम्स होगा मैं फिर से एक बार रिव्यू करता हूँ, एग्लैक्टोरिया, एमिनोरिया, इनफर्टिलिटी, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोटेंशन, वीकनेस एंड मसल वेस्टिंग, और डायबिटीज इंसिपिडस में भी सेम। क्यों मिलेगा ये पता चल गया। अब ट्रीटमेंट, ट्रीट भी हम लोग उसी अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है,
तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है ना। ब्लड ग्लूकोज भी बहुत ज़्यादा कम है, किसके वजह से? डिफिशियंसी ऑफ ACTH की वजह से। तो हम लोग यहाँ सबसे जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे? HRT, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि यहाँ पे LH और FSH है नहीं तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, ठीक है। और गोनेडोट्रोपिन्स भी हम लोग यूज़ करेंगे। साथ में डायबिटीज इंसिपिडस को ट्रीट करने के लिए हम लोग वैसोप्रेशन और डेस्मोप्रेशन, है ना, डेस्मोप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ नेजल स्प्रे यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत का क्वेश्चन होगा, क्या इनफर्टिलिटी है ना, इनफर्टिलिटी की बात कहाँ से आ गई, ठीक है। अभी तो तुरंत PPH हुआ है तो वहाँ पे फिर से इनफर्टिलिटी की बात आप क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है ना कि ये सारा कंडीशन एक ही फीमेल में हमें देखने के लिए मिले, ठीक है। वो डिपेंड करेगा सीवियरिटी पे, कितना इस्कीमिया और कितना नेक्रोसिस हमें देखने के लिए मिले, वो डिपेंड करेगा कि कितना ब्लड लॉस हुआ, ठीक है ना। तो अगर फ्यूचर में हो सकता है क्या, अभी फीमेल को PPH हुआ तो अभी उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं हुआ ना, और ऑलमोस्ट 6-7 महीने के बाद ये सारा सिम्टम्स उसको देखने के लिए मिला, ठीक है। तो फीमेल अगर फिर से प्रेग्नेंट होना चाहती है तो हमें उसे HRT देना होगा, है ना, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देना पड़ेगा और गोनेडोट्रोपिन्स देना पड़ेगा सो दैट कि वो ओव्यूलेट करे, है ना। ऐसे तो रिस्की रहता है, लेकिन फिर भी अगर चाहे तो हम लोग ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पूछा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, है ना। डायबिटीज इंसिपिडस को ट्रीट करने के लिए वैसोप्रेशन और डेस्मोप्रेशन का हम लोग नेजल स्प्रे देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई साइन सिम्टम्स की बात, है ना, अंडरलाइंग पैथोलॉजी की बात, ठीक है। अब इसमें मैंने एक टॉपिक छोड़ रखा है, दैट इज डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन, है ना, कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस बहुत ईजी है ना, जो पिट्यूटरी हार्मोन है उसे हम लोग मेजर कर लेंगे। अगर वो सब नॉर्मल लेवल में तो भाई हाँ है, ठीक है। और आप लोग MRI और CT स्कैन भी करा सकते हैं, जिसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, पिट्यूटरी रिंग साइन। तो बेसिकली पिट्यूटरी रिंग साइन होता क्या है, हमें पता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना उसका नेक्रोसिस हो जाएगा तो उसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा, तो जो सीला टर्सिका है वो हमें कैसा दिखेगा, खाली खाली दिखेगा, एम्प्टी, है ना। और उसके अराउंड हमें क्या दिखेगा, रिंग दिखेगा और हेलोज दिखेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी रिंग साइन। अब एक और सिंड्रोम होता है जिसका नाम है साइमंस डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पिट्यूटरी स्टॉक का डैमेज तो होगा लेकिन इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी। दिस इज ऑल अबाउट योर सीहांस सिंड्रोम। थैंक यू।